गुजरात राज्य आरोग्य कर्मचारी महासंघना आदेश मुजब सूरत जिल्लाना पलसाणा सहितना तालुकाओमां फीमेल हेल्थ वर्करो अने मातृ बाळ कल्याण सेवाना वर्करो तेमना मोबाइल जमा करावानो निर्णय कर्यो छे। हेल्थ वर्करोने थई रहेला अन्यायना विरोधमां कर्मचारी महासंघ द्वारा अपायेला आदेश मुजब तालुका आरोग्य कचेरीए वर्करो द्वारा ठेको मोबाइल जमा करावामां आवता मातृ बाळ कल्याण सेवाओ सहितनी आरोग्य विभाग द्वारा करवामां आवती कामगीरीने असर पहोंचे। अश्विन एच पटेल प्रमुख श्री आरोग्य शाखा जिला पंचायत सूरतना तीजा वर्गना क्षेत्रीय कर्मचारीनो मंडळ अने उपप्रमुख गुजरात राज्य आरोग्य कर्मचारी महासंघ गांधीनगर कार्यक्रम में अमारा आरोग्य कर्मचारीना 13 प्रश्न बाबते अमे 3-3 वखत अचोक्कस मुद्दानी हड़ताल करी छे अने हड़ताल कर्या दरमियान सरकार साथे वाटाघाटो थई छे, वाटाघाटो साथ समाधान पर थयुं छे। तेम छता आज दिन सुधी आरोग्य कर्मचारी एक पर प्रश्न निकाल न आवता ना छूटके हवे हमारे फरी पाछा महासंघे हड़तालना कार्यक्रमों आपवानी जरूर पड़ी छे। अने आ हड़ताल में अमारो जे मुख्य मुद्दो छे कि अमारी 7 केदर छे, मल्टीपर्पस हेल्थ वर्कर, फीमेल हेल्थ वर्कर, मेल फीमेल सुपरवाइजरो, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट, लैब टेक्निशियनो ना तमाम कैडरनो ग्रेड पेनों जो प्रश्न छे ए महत्वनो प्रश्न छे। अने बीजा जुदा जुदा विविध प्रश्नों छे एना माटे महासंघे फरी पाछू आंदोलन कार्यक्रम आपवानी फरज पड़ी छे, जेमां 28 तारीख थी 28/3/2022 थी कामगीरी चालू अने रिपोर्टिंग बंद नो कार्यक्रम आपवामां आव्यो छे। एनी साथे साथे 31/3/2022 ना रोज सांजे 4 કલાકે તમામ તાલુકા આરોગ્ય કચેરી ખાતે સાંજે 4 વાગે જે ફીમેલ હેલ્થ વર્કર એએનએમ બહેનો જે કામગીરી કરે છે અને ટેકોમાં જે એની એન્ટ્રી થાય છે, રિપોર્ટિંગ થાય છે, તો એ જે ટેકો મોબાઈલ છે એ જમા કરવામાં આવનાર છે। પલસાણા તાલુકાની વાત કરીએ તો પલસાણા તાલુકામાં 25 બહેનો ટેકો જમા કરાવશે અને સુરત જિલ્લામાં આશરે 350થી વધારે ટેકો મોબાઈલ જમા થશે। અને એ સાથે આ કાર્યક્રમ પછી 4-4 એપ્રિલે ગાંધીનગર ખાતે ધરણાનો કાર્યક્રમ પણ રાખવામાં આવ્યો છે।